चलिए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे रोग के बारे में, इसके प्रकार तथा ये कितने तरीके से फैल जाता है। ठीक है, कौन कौन से कारक है जो रोग को फैलाते हैं। पहला पॉइंट समझते हैं, पहले हम समझ जाते हैं रोग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए रोग नॉर्मली क्या होता है, जिसे डिसीज के नाम से जाना जाता है। मतलब जब किसी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में, मतलब चाहे किसी भी क्रिया की बात कर ले, श्वसन कहें, पाचन कहें, जनन कहें, किसी भी क्रिया में असुविधा होती है उसे हम रोग बोलते हैं। या यूं कहें आसान भाषा में कि जब शरीर की कोई भी क्रिया क्या हो जाती है भाई, बाधित हो जाती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसे हम रोग बोलते हैं। और जिस व्यक्ति के शरीर की कोई क्रिया बाधित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रोगी बोलते हैं, पेशेंट बोलते हैं। ठीक है, बात आज हम समझेंगे कि रोग होता क्या है। रोग तो समझ में आ गया, बात करेंगे प्रकार, रहने के आधार पे, उपस्थिति के आधार पे, या कितने दिन तक रहने के आधार पे। रोग दो तरीके के, पहला रोग वह होता है जो तीव्र, यानी कि जिसे प्रचंड बोला जाता है, वह रोग जो कम समय के लिए होता है। लेकिन कहते हैं ना कि आंधी हमेशा नहीं आती, हवाएं लगातार बहती है और आंधी एक बार आती है। हवा बार बार बह के कुछ बना बिगाड़ के जाती है नहीं, लेकिन आंधी एक बार आती है तो उखाड़ पखाड़ के चली जाती है। वही काम करता है तीव्र प्रचंड रोग, वे रोग जो कम समय के लिए होते हैं लेकिन बहुत, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान। हालांकि कुछ ऐसे रोग है जो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो उसे अपने आप ठीक कर देता है। सर्दी जुकाम खांसी की दवा कौन लेता है, बुखार की दवा कौन लेता है। आप अगर लेते हैं तो लेना बंद कर दीजिए, जब मरने की कगार पे हो तो ले लीजिएगा। कहने का मतलब है जब आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाएं तभी आप दवा वगैरह खाइए, अन्यथा आप दवा का सेवन ना करें तो बहुत बेटर है। ठीक है, बात करते हैं बाबू तीव्र रोग, वह रोग जो कम समय के लिए होता है लेकिन आपके शरीर को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। आपको बहुत, जैसे सर्दी हो जाती है तो आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, खांसी हो जाती है तो भी आपकी श्वसन क्रिया बाधित हो जाती है ना, आपका खाने का मन करता है। कहने का मतलब है कि आपको जैसे ही निवाला मुंह में डाला तब तक खांसी आ जाएगी, है ना, मतलब आपको क्या होगी, बहुत ज़्यादा असुविधा होगी इस तीव्र रोग से। लेकिन जैसे हम बात करेंगे खांसी और जुकाम के बारे में, ये कम समय के लिए ही तो रोग होते हैं लेकिन आपके शरीर की कई, है ना, आपके शरीर को बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना जो आंधी आती है वो क्या करती है, उखाड़ पखाड़ वाला मामला, सेम प्रोसेस है। दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है दीर्घकालिक रोग। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, तो वो दिखाई नहीं देगा। दिखाई ना देने का मतलब है, अगर मान लेते हैं आपके कमरे में कोई ऐसा लड़का या कोई ऐसी लड़की या कोई भी व्यक्ति ऐसा आपके आसपास बैठा हो जो कि दीर्घकालिक रोगों से प्रताड़ित हो, तो आप एक बार में देख के उसे नहीं बता सकते कि यह व्यक्ति रोगी है। लेकिन उस व्यक्ति के सोचने की क्षमता, उसकी मानसिकता, वो सारी चीज़ उसकी डिस्टर्ब है। तो जो दीर्घकालिक रोग होते हैं, जैसे अल्पकालिक रोग यानी कि तीव्र यानी प्रचंड रोग जो होते हैं, वो आपके शरीर में जैसे ही ये रोग उत्पन्न होते हैं, वो क्या काम करते हैं कि भाई सबसे पहला काम वो करेंगे कि जिसकी वजह से हुए हैं उस अंग को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देंगे। जैसे खांसी और जुकाम, खांसी आपके फेफड़े को प्रॉब्लम देती है, हालांकि सर्दी भी वही सेम, लेकिन आपकी जो ये नासिका होती है, नासा द्वार बंद हो जाता है, फिर सांस आप कहाँ से लेते हैं, मुंह से लेते हैं। लेकिन जो दीर्घकालिक रोगी होते हैं, जिनमें रोग बहुत लंबे समय तक चलता है, वो लोग मानसिक रूप से, आपके क्लास में बैठा होगा वो व्यक्ति, आपके साथ पढ़ रहा होगा, लेकिन हो सकता है वो दीर्घकालिक रोग से प्रताड़ित हो, आपको मालूम नहीं है, हो सकता है वो दीर्घकालिक रोगी हो। ठीक है, ये दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है तीव्र, मतलब रहने के आधार पे, उपस्थिति के आधार पे, कितने दिन तक रहने के आधार पे। रोग दो कैटेगरी के, एक होते हैं तीव्र, एक होता है दीर्घकालिक, यानी कि अल्पकालिक दीर्घकालिक। वे रोग जो कम समय तक रहते हैं और हमारी शरीर की क्रिया को बाधित करते हैं, वे रोग जो लंबे समय तक रहते हैं और हमारी क्रिया को बाधित करते हैं। कम समय तक रहने वाला रोग खांसी और जुकाम, लंबे समय तक रहने वाला
सुगर और कैंसर। व्यक्ति की मौत हो जाती है 10-10 साल 15-15 साल तक कैंसर हो जाता है, 5-5 साल 6-6 साल तक रह जाता है, ठीक है, दवा लेते लेते जिंदगी खराब। आगे बात करते हैं रोग दूसरे तरीके का रोग, पॉइंट समझेंगे, तीव्र और प्रचंड ये दोनों एक के अंतर्गत आएंगे, एक ही तरह के रोग है ये। इनकी उम्र की बात हम कर लें, मतलब कितने दिन तक रहने के आधार पे, तो एक होता है अल्पकालिक मतलब कम समय तक रहने वाला, और एक होता है दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय तक रहने वाला। दूसरा होता है जन्मजात रोग, वह रोग जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त होता है, मतलब जब कोई व्यक्ति या जब कोई जीव पैदा होता है उसके अंदर वो रोग तभी उपलब्ध होता है, मतलब उसके जन्म के समय से ही उसे वो रोग है, तो उस रोग को हम जन्मजात रोग के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं ना, जैसे ये रोग जीन की वजह से हो सकते हैं, क्रोमोसोम की वजह से हो सकते हैं, किसी भी भौतिक कारक की वजह से हो सकते हैं, हार्मोन की वजह से हो सकते हैं, पोषक तत्व की कमी की वजह से हो सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। आगे बात करेंगे, जैसे जीन समझ में आ गया, बहुत सारे रोग आप जानते हैं, जब आपको मेंडल का नियम पढ़ा गया था तो उसमें आपको ये चीज़ें बताई गई थी कि कुछ ऐसे रोग होते हैं जो किसकी वजह से होते हैं, जीन यानी कि गुणसूत्र की वजह से होते हैं, ठीक है। तो जन्मजात रोग समझ में आ गया, वह रोग जो हमारे जन्म के समय से ही हमारे बॉडी में अवेलेबल होता है, मौजूद होता है, उसे बोला जाता है जन्मजात रोग। अगला पॉइंट समझते हैं बाबू, उपार्जित रोग, उपार्जित वह रोग जो पैदा होता है, वह रोग जो हमारे जन्म के बाद पैदा होता है या उत्पन्न होता है उसे बोला जाता है उपार्जित रोग। जैसे मोतियाबिंद हो सकता है, अस्थमा, इनहेलर लेते हैं ना दमा वाले रोगी, वैसे ही अस्थमा, ठीक है, इनहेलर लेके वो बचपन से ही होता है। आगे बात करते हैं, अब यहां तक समझ में आ गया रोग तो समझ में आ गया, कितने तरीके का होता है, तो अल्पकालिक और दीर्घकालिक, जन्मजात और उपार्जित। वह रोग जो कम समय के लिए वो अल्पकालिक, वह रोग जो लंबे समय के लिए है वह दीर्घकालिक, वह रोग जो जन्म के समय से मौजूद है उसे जन्मजात, वह रोग जो जन्म के बाद पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ उसे क्या बोलेंगे, उपार्जित रोग। पॉइंट समझ में आ गया, अगला टॉपिक समझते हैं। तो रोग कारक का मतलब रोग को कौन कौन उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब जब कोई व्यक्ति कोई जीव रोगी होता है तो वो किसकी किसकी वजह से रोगी होता है, वो पॉइंट समझते हैं। तो पहला पॉइंट, किसी जीव की वजह से हो सकता है, मतलब हम केवल किसी व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं बल्कि हम किसी जीव की वजह से भी रोगी हो सकते हैं। रोग हमें कौन कौन फैलाता है, तो पहला वायरस, हम जानते हैं वायरस की वजह से होने वाले रोगों के बारे में, है ना, हमने पढ़ा भी है वायरस के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में, कहने का मतलब है। और आप एक पॉइंट जरूर यहां याद रखेंगे कि वायरस ना तो सजीव होता है और ना तो निर्जीव होता है, वह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है, ठीक है। तो वायरस की वजह से कुछ रोग ऐसे होते हैं जो वायरस की वजह से, मतलब कुछ रोग ऐसे हैं जिनका कारक वायरस है, कुछ का जीवाणु है, कुछ ऐसे हैं जिनका कारक क्या है, प्रोटोजोवा है, हम सबके बारे में जानते हैं। पॉइंट समझते हैं आगे क्या होता है। अब यहां तक समझ में आ गया, जीव के द्वारा भी कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे वायरस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, प्रोटोजोवा के द्वारा। अब वायरस के द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है ये हम जानते हैं, हमने आपको साथ का ट्रिक भी बताया हुआ था। जीवाणु के द्वारा क्या होता है ये भी हमने आपको बताया है, प्रोटोजोवा आपको नहीं पढ़ाया गया, ठीक है, कवक जबकि आपको पढ़ाया गया फंगस, ठीक है। आगे बात करने वाले हैं हम रासायनिक पदार्थ, हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं या किसी जीव किसी व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से हमें कुछ रोग हो सकते हैं। जैसे सर्प के काटने से भी आप रोगी बन सकते हैं, आपका हीमोग्लोबिन क्या होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, शरीर का रंग नीला होने लगता है, जिससे व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। अगला टॉपिक है हार्मोनल, कुछ प्रॉब्लम हार्मोनल होती है, जैसे कुछ लड़कियां होती है जिनको दाढ़ी मूंछ आ जाती है कि नहीं आ जाती कि नहीं आ जाती, तो इसका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है भाई कि हो सकता है उसका हार्मोन ज़्यादा है, उसमें जो लड़कों का हार्मोन है वो उसके अंदर पाया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे क्या आ जाती है, दाढ़ी मूछे आ जाती है कि नहीं, हंसने की बात है, नहीं हो जाता है ऐसा, ठीक है। धूम्रपान, कुछ लोग जो भाई धूम्रपान करते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, रासायनिक पदार्थ, आप उसका जो धुआं होगा वो आपके फेफड़े में जाएगा, आप एडवर्टाइज वगैरह देखते हैं जब धूम्रपान का होता है तो उसमें बताया जाता है कि आपके फेफड़े में जो धुआं जाके जमा होता है उसे हम टार बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
टार और एक फेफड़े में जितना टार जमा होता है किसी व्यक्ति को जो लगातार धूम्रपान कर रहा है, लगातार सिगरेट वगैरह पी रहा है, तो उससे पूरी दुनिया को संक्रमित किया जा सकता है एक व्यक्ति के फेफड़े को निचोड़ने के बाद। समझ रहे हैं? तो वो व्यक्ति कितना बड़ा रोगी होगा आप वो सोच के देखो। ठीक है, आगे बात करते हैं बाबू भौतिक कारक, है ना, वे कारक जो हमें क्या करते हैं डायरेक्टली प्रभावित करते हैं, भौतिक कारक भी हमें रोगी बना देते हैं, जैसे गर्मी ठंडी। कुछ लड़के ऐसे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे ही गर्मी आती है जिसको कहते हैं अमहूरी हो रही है, कहते हैं ना, मतलब उनको एलर्जी उभर जाती है, जबकि कुछ लोग होते हैं जिनको ठंडी में प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ लोग को यहाँ के बहुत खतरनाक प्रॉब्लम होती है, उनको अलग रोग उभर जाता है, वह ना नहाने का रोग, है ना, ई वाले रोगी बड़े खतरनाक है, ससुरा 16-16 दिन क्रॉस करवा देंगे। हालांकि अब तो ठंडी जा रही है, नहाइए, ठीक है, दुआएं हैं, आप नहाओ, मैं उम्मीद करता हूँ आप नहाएंगे, है ना, बराबर टाइम से नहाइए। दूसरा होता है अल्ट्रा वायलेट, है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं वो जब किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ती है उससे भी वो हमारी स्किन को झुलसा देती है। मैंने आपको जब ओजोन पढ़ाया था तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि किस प्रकार से पराबैंगनी किरणें हमें नुकसान पहुंचाती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, तो इनकी वजह से भी ये कभी कभार रोग उत्पन्न हो जाता है। कुछ लोग को गर्मी से रोग उत्पन्न हो जाता है, कुछ लोग को ठंडी से रोग उत्पन्न हो जाता है, जबकि कुछ लोग होते हैं जिनको पराबैंगनी, भाई जगह जगह क्या कील मुहासे हो सकते हैं, त्वचा झुलस सकती है, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगला टॉपिक है बाबू आपके कर्म वाला, है ना, यांत्रिक, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे पहली मोच, बहुत तेजी से दौड़ने के चक्कर में पैर मुड़ गया और आपके पैर में क्या आ गई, मोच आ गई, तो ये क्या है, यांत्रिक कारक है, उसके वजह से आप रोगी बन गए। टक्कर, है ना, बिना देखे, मतलब ऐसे अचानक से जा रहे, कोई इससे लड़ गया, कोई इससे लड़ गया, धड़ाधड़ यहाँ एक मिला, यहाँ गुरमा ऊपर कि यहाँ बस दोनों चल दिए भैया, ये क्या है, टक्कर। और हड्डी टूट जाना, है ना, बहुत ज्यादा तेज या एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हड्डियां टूट जाती हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, रोग का कारक है। आगे अनुवांशिक कारक, है ना, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो हमें हमारी पीढ़ियों के द्वारा मिलते हैं, मतलब हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। जब हमने आपको मेंडल का नियम पढ़ाया था, अनुवांशिक रोग पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था जीन्स की वजह से भी कुछ रोग हो जाते हैं, कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, गुणसूत्र की वजह से भी कुछ रोग हो जाते हैं, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम हमने पढ़ाया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, है ना। चले आगे बात करते हैं बाबू पोषक तत्वों की कमी से, कुछ ऐसे रोग होते हैं हमारे आसपास, आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अच्छा पोषण नहीं मिलता। पोषण का मतलब केवल दाल चावल खा लेना ही पोषण नहीं है, 3 दिन की दाल रखे तब भी खींच दे, 2 दिन का चावल है कोई दिक्कत नहीं, है ना भाई। देखिए गरीबी बहुत, दुनिया की सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है वो क्या है, गरीबी। रोगी बना दीजिए, गरीबी ना बनाइए, क्योंकि आदमी रोग को बर्दाश्त कर लेता है, गरीबी को नहीं बर्दाश्त कर पाता, ठीक है, गरीबी बड़ी खतरनाक चीज है। ठीक है, बात करते हैं कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी कमी से हमारे अंदर रोग उत्पन्न हो जाता है, जैसे प्रोटीन की कमी से कुछ रोग हो जाते हैं, कुछ रोग विटामिन की कमी से, जल्दी मैं आपको इसका वीडियो अवेलेबल कर दूंगा, प्रोटीन की वजह से कौन सा रोग होता है, विटामिन की वजह से कौन सा रोग होता है, खनिज की वजह से कौन सा रोग होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोटीन विटामिन खनिज ये सारी चीजें आपके भोजन में पाई जाती हैं, लेकिन अगर आप सही भोजन नहीं करेंगे, जब ये सारे पोषक तत्व आपके शरीर को नहीं मिलेंगे, तो आपको जिसकी कमी होगी, प्रोटीन की कमी होगी तो प्रोटीन वाला रोग, और विटामिन की कमी होगी तो विटामिन वाला रोग और खनिज वाला रोग। पानी खींच के पिया करो बेटा, जितना पी सको उतना पीजिए, पानी कभी नुकसान नहीं करने वाला आपकी बॉडी में, जितना पानी पी सको, कानून सब हर तरफ से पानी ही डाल दो, एकदम नाकों सब जाम कर लो, फेफड़ा वगैरह, ठीक है। आगे बात करते हैं मानसिक तनाव, देखो वे सबसे इंपॉर्टेंट रोगी, आज के जनरेशन, आज के समय के लोग इन रोगों से भले ग्रसित ना हो, लेकिन इससे तो सब लगभग सभी ग्रसित है। मानसिक रोगी, तनाव, कुछ लोग पैसा कमाने के चक्कर में इतने परेशान हैं कि रात में नींद नहीं आती, 12 बजे लेके निकल जाएंगे, पहुंचना है ना भैया, बहुत पैसा फंस जाएगा, इतना पैसा क्या करोगे भाई, इतना पैसा करेंगे क्या, जब सबको मालूम है पैसा लेके जाने वाला कोई नहीं है, अकाउंट यूनियन में पड़ा रह जाएगा, SBI में पड़ा रह जाएगा, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा में पड़ा रह जाएगा, आप चले जाओगे हाथ ऐसे। सिकंदर को जानते हैं ना, उसने आधी दुनिया को जीत लिया था,
उसकी दो ख्वाहिशें थी मरते वक्त कि मेरे जनाजे के पीछे मेरी सारी दौलत लगा दी जाए और मेरे दोनों हाथों को जब मेरा जो अर्थी होती है ना, जिसे जनाजा बोला जाता है, उसके बाहर रखा जाए ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि पीछे मेरी सारी दौलत पड़ी हुई है, फिर भी मेरा हाथ पूरा क्या है, खाली है। मतलब समझ लीजिए कि पैसे एक भी काम नहीं आने वाले। इंसान कमाओ भाई, इंसान समझ रहे हैं ना, इंसान कमाएंगे। लॉकडाउन में जितने लोगों का पता चला ना, एक तो ग्रुप बना था ना वो वाला, शादी वगैरह जब हो रही थी तो वहाँ आपकी वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, आपका क्रेडिट या यूँ कहें कि आपकी ख्याति है ना कितनी बनी हुई है, आपकी पहुंच कितनी बंपर है, आप टॉप 50 में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। मतलब वहाँ 50 लोगों को बुलाया जाता था ना शादी में। अब सोच लीजिए हमारी था, हम इतने दुर्भाग्यपूर्ण थे कि हम टॉप 50 में जगह नहीं बना पाए थे। जैसे मैच वगैरह होता है ना, वहाँ पे लोग सलेक्शन करते हैं ना, 18 लोगों का सलेक्शन होता है, 15 लोगों का सलेक्शन होता है, 11 खेलने जाएंगे, उसमें हमारा सलेक्शन ही नहीं होता था, 50 वाले में हम लोग का नाम ही नहीं आता था। कितने लोग हैं भाई, समझे। तो इंसान कमाओ, कमाएंगे। लॉकडाउन में भूखा वही मरा होगा, हाँ भाई कुछ लोगों की मजबूरी रही होगी और कुछ लोग का कर्म रहा होगा। उधार लेके 17 साल के बाद जाओगे तो दुकानदार देगा, लॉकडाउन में तो कोई नहीं देगा। केवल पार्ले बिस्किट है, कैसा बिस्किट है जो महंगा नहीं हुआ, बाकी तो कैसवा वैसवा भैया 60-60 रुपया वाले खींच रहे थे, फिर भी 17 सूरतिया वाले नहीं माने, लॉकडाउन में खींच रहे थे। बात करते हैं बाबू मानसिक तनाव, अधिक धन उपार्जन के लिए। कुछ लोग होते हैं जो अधिक धन के लिए खुद रोगी बन जाते हैं, मतलब ना ढंग का सोते हैं ना ढंग का खाते हैं। धोनी वाला लिया तब तक फोन आ गया, भैया आ जाओ, हाँ तो खाना छोड़ के भाग जाएंगे। जब खाना छोड़ देंगे तो पोषक तत्व की कमी हुई कि नहीं हुई, रोगी बने कि नहीं बने, और कहीं लड़ भिड़ गए तो यहाँ है ना भाई, समझ रहे हैं। और गर्मी में भाग रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं तो गर्मियाँ वाला रोग हो जाएगा, और खनझारी में दौड़ेंगे तो पता चला सर्प काट लिया, कुत्ता दौड़ा काट लिया, समझ लीजिए खुल हो जाएगा, है कि नहीं। और बहुत ज़्यादा कोनो रोगी के अगल बगल रहेंगे तो ये वायरस वायरस वाला पकड़ लेगा। मतलब सतर्क रहिए भैया, सतर्कता, ये रोग एक तरह से जुड़ा हुआ है। तो मानसिक रूप से अगर आप फिट हैं, दूसरा क्या होता है पारिवारिक, कुछ परिवार आज भी ऐसे हैं जो संपूर्ण हैं, मतलब उनके घर पे किसी चीज़ की असुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी रोज थरिया लोटा फेंकनता चालू है, उनको खींच के मारेंगे, वो उनको खींच के मारेंगे, झगड़ा रोज होती है भाई। देखो 10 रुपये कम कमाइए, रहिए शौक से, मतलब जिस घर में रोज शाम को हंसी की आवाज़ आ जाए वो घर बड़ा खुशहाल है, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई घर नहीं, जहाँ पे सभी लोग बैठ के आपस में बात करके हंस तो लेते हैं, है कि नहीं। कुछ घर यहाँ आज का जमाना क्या है, इस सबके पास एंड्रॉइड फोन, कोनो यहाँ को नहीं आ रहा है तो कोनो यहाँ को नहीं आ रहा है, मम्मी यहाँ को नहीं आ रही तो पापा वहाँ को नहीं आ रहा है, लड़का वहाँ नेपुले रो रहा है, ये क्या है बताइए क्या है। फैशन के चक्कर में हम सभ्यता भूल जा रहे है कि नहीं। तो वो नहीं भाई, मानसिक रोगी ना बने, बहुत खतरनाक रोग है। आप पब्लिक में रहोगे, आप प्रेयर वगैरह करते हैं पब्लिक में बैठे रहेंगे, तो कुछ लोग होते हैं वो अपनी दुनिया में खोए हैं, उनको एक बार बुलाओ आओ, अच्छा हाँ वो अपने दुनिया में खोए, तो वो कैसे रोगी भैया, मानसिक, या तो पैसा के चक्कर में परेशान होगा, या तो सोच रहा होगा कि कैसे मम्मी साथ पैसे मांगू, उजगुड़ी आ रहा है कुछ ना कुछ, है ना। मतलब वो परिवार के बारे में किसी ना किसी चीज के बारे में वो सोच ही रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया रोग किसकी वजह से हो सकते हैं। आगे बात करते हैं संक्रामक रोग असंक्रामक रोग के बारे में, प्रकार के बारे में, रोग कितने तरह के होते हैं। तो हम जानते हैं या पहले भी ये चीजें आपको बताई जा चुकी हैं, रोग दो प्रकार का होता है, एक होता है संक्रामक रोग, दूसरा होता है असंक्रामक रोग। वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है उसे हम बोलते हैं संक्रामक रोग। वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होता, वह किसी विशेष जीव है ना, विशेष कारक की वजह से होता है, उसे बोलते हैं असंक्रामक रोग। अब बात करते हैं संक्रामक रोग। तो असंक्रामक संक्रामक समझ गए ना, वे रोग जो एक व्यक्ति से, मतलब जिसे छुआ छूत का रोग आम भाषा में हम बोल सकते हैं, तो वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है उसे हम बोलते हैं संक्रामक रोग, और वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होता उसे हम बोलते हैं असंक्रामक रोग, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बात करते हैं जो संक्रामक रोग होता है वो फैलता कैसे। अभी तक हमने ये जाना कि रोग फैलते कैसे या होते किसकी वजह से है, अब दूसरा हम समझेंगे ये फैलते कैसे है। आपने कोरोना को देख लिया, हैजा, प्लेग, एक समय था जब प्लेग की आंधी आई हुई थी, आधी दुनिया तबाह थी, जैसे आज कोरोना से परेशान है ना लगभग दुनिया का, शायद कोई ऐसा देश होगा जहां कोरोना ना हो, वैसे प्लेग का एक दौर था, हर गांव में हर घर में एक एक जन दो दो जन चले गए, समझ रहे हैं ना, वो आंधी समझ लीजिए एक समय आई थी, और एक बार भूखमरी की लहर आई थी, करोड़ों लोग मर गए थे केवल भूख की वजह से। आज भी 20% ऐसे लोग हैं हमारे समाज की बात कर रहे हैं जो भूख से अपनी जान को गंवा देते, ठीक है।
भले ही हम कितनी ही ऊंचाइयों पे चले जाए लेकिन आज भी हमारे आसपास ऐसे लोग आते हैं जो भूख से पीड़ित है ना। कुछ मत करना भाई, तो कम से कम एक ठो रोटी तो दे ही सकते हैं, आखिर में वैसे भी फेंक ही तो देते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे रोज़ अन्न को बर्बाद किया जाता है रोज, और ख़ास करके तुम लोग देखो लड़कियों को खास करके ये सलाह है भाई, जब खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद जब बर्तन धोने जाते हो तो जब वो बर्तन वगैरह में चावल वगैरह बचा रहता है उसे फेंकने की कोशिश ना किया करें। कुछ लोग ऐसे ना कुछ इतनी होनहार होती है, इतना साफ सफाई रखते हैं वो फेंक देंगे सड़किया पे, फेंक देंगे तब जितना देखे, जब जितने उनके ऊपर अन्न के ऊपर जितना पैर पड़ेगा, आप अगर धर्म के हिसाब से चले तो अन्न क्या करेगा, आपको श्राप देता है भाई, समझ रहे हैं? मतलब उसी अन्न के लिए तो आपके पापा, किसी के पापा दुबई हैं तो कौन के पापा सऊदियाँ हैं, कौन के पापा मजदूरी कर रहे हैं, कौन के पापा जहाज चला रहे हैं, किसकी वजह से, किसके लिए चला रहे हैं, भोजन के लिए। सारी चीज़ पूरी दुनिया घूम फिर के कहाँ आती है, भोजन पे। गांव में कहावत है ना, पेट नहीं तो भेंट नहीं, है ना। अगर भोजन नहीं मिला है कि नहीं, भूखे भजन ना हो गोपाला और लेला अपन कंठी माला, समझ रहे हैं? भूख लगी रहेगी तो जपते रहेंगे, भूख लगी यार जैसे राम 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 करते रहेंगे, लेकिन ललचहावा ही है ना, ये सब ललचहा वाले हैं। फिलहाल संक्रामक रोग कैसे कैसे फैल जाते हैं, तो पहला होता है वायु के द्वारा। कुछ ऐसे रोग होते हैं, अभी ये कोरोना को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ये वायु के द्वारा फैल रहा है कि नहीं फैल रहा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल रहा है कि नहीं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो एक संक्रामक रोग के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है उसे हम बोलते हैं संक्रामक रोग। लेकिन कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो जाता है, वो माध्यम क्या है, तो पहला माध्यम है वायु। हवा के माध्यम से बैक्टीरिया या वायरस उड़ के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाते हैं और उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। जैसे आप चेचक को जानते ही है ना, जिसमें जिसको माता जी कहते हैं, इसमें व्यक्ति को अलग कमरा दे दिया जाता है, अलग माहौल दे दिया जाता है, भैया तुम यही रहो, तुमको थाली पहुंचा दी जाएगी। वो कभी कभार वो क्या बोलते, लाठू टिमान। कोरोना में देखे थे ना, कोरोना में अपना ही भैया को यहाँ से रखते थे, पहले धक्का मारते थे, सब्जी एकदम जाती थी, यहाँ सब्जी पता चले कुल जूस गिर गया, भैया के खाली कुल आलू पहुँचा है, भैया खाइए उसी में, अलग है भैया। इतना भी देखे, यही तो पता चला कोरोना में कि कौन अपना है कौन पराया है। हमको लाठी से जो धकेली जाती थी हमारी सब्जियाँ, कि नहीं, अगर मजाल है दोबारा मांग लिया बोतल में खाओ, एक के बार में दे देते थे कि ये तरह खा लेना, दोबारा तुम्हारे यहाँ कोई नहीं जाएगा लेने, कौन जाएगा, इतना यार भाई इतना नहीं, ऐसे थोड़ी कोरोना हो जाता है। फिलहाल चेचक, खसरा, न्यूमोनिया, ये सब ऐसे रोग हैं जो किसकी वजह से हो जाते हैं, वायरस की वजह से हो जाते हैं, वायु के द्वारा। इनका माध्यम, फैलने का जो माध्यम है वो क्या है, वायु है। दूसरा है भाई जल और भोजन। आप रोग हैजा के बारे में जानते हैं जो कि दूषित जल पीने से होता है। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो जल की वजह से फैल जाते हैं भाई, हंस लो तुम लोग हंस लो, ठीक है। जल व भोजन की वजह से कुछ रोग होते हैं, जैसे हैजा, पेचिस, बहुत खतरनाक रोग है भैया, एक समय था मैं भी इससे बहुत प्रताड़ित था, ठीक है। और तीसरा है तपेदिक, ठीक है। ये रोग ऐसे हैं जो जल और भोजन, मतलब हमारे शरीर में इनके जो रोग कारक हैं वो किसकी वजह से फैलते हैं, भोजन के साथ, मतलब जब हम खाना खाते हैं तो ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जल और जल पानी पीते हैं तो दूषित जल जिसके अंदर इसके कारक अगर उपस्थित रहेंगे वो हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे तो हम उस रोग से क्या हो जाएंगे, ग्रसित। इसीलिए कहा जाता है कि हाथ, नाम नहीं याद आ रहा है उस वैज्ञानिक का जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि हाथ ना धोने की वजह से भी रोग होता है, तो लोग उनको पागल खाने भेज दिए थे। इस ससुरा ये कौन बात बता रहा है, पहले के लोग हाथ धो के तो खाते नहीं थे, तो उन्होंने ये बात बताई कि अगर आप हाथ धो के खाएंगे तो आपके आधे रोग खत्म हो जाएंगे, तो उसको पागल खाने भेजा गया था। और आज व्यक्ति लगातार हाथ धो रहा है, हमारे देश में हाथ तो लगातार धोए जा रहे हैं आजकल, है ना कभी नौकरी से, कुछ लोग जिंदगी से धो रहे हैं, कौनो मिला शादी से हाथ धो रहा है, कौनो बच्चा से हाथ धो रहा है, तो है ना, मतलब अब कौनो पास बच्चा भी नहीं है तो बिना बच्चा का हाथ धो रहा है, मतलब सब अलग अलग तरीके से हाथ धोए जा रहे हैं। कोई लाइफ बॉय से धो रहा है तो कौनो सैनिटाइजर मार रहा है, मतलब हमारे यहाँ हाथ तो लगातार धोया ही जा रहा है, ठीक है। तो खाना खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हाथ धो ही लेना चाहिए, ठीक है। साफ अच्छे से हाथ धो लीजिए, आधे रोग वैसे ही खत्म, ठीक है। आगे बात करते हैं कीटों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा। अब समझते हैं भैया बहुत ही खतरनाक पॉइंट कि कीटों के द्वारा हमारे आसपास, कीट किसे कहते हैं पहले वो समझ जाओ। मैंने आपको बताया है कि वह जीव जिसके पास 6 पैर, मतलब 3 जोड़ी पैर होते हैं और 2 पंख होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कीट बोलते हैं। जैसे आपकी मधुमक्खी, जिसको गांव में जिसको बोलते हैं एक तो हाड़ा, जिसको बर्र बोला जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, मधुमक्खी, बर्र,
इनको देखते ही है, आपके घर मक्खी आती है जिसको माछी कहते हो तुम लोग, है ना, वो क्या है, वो कीट है। आप देखते हैं ना, वो उसके चार पैर, दो पैर इधर होते, दो पैर इधर होते, एक तो ऐसे ऐसे रगड़ती रहती है, उसका नेटवर्क है वो। अगर ये नहीं होगा, इसको श्रृंगिका बोला जाता है, अगर यही नहीं होगा उसका एंटीना नहीं पक, जैसे होता ना डीटीएच आपका काम नहीं करता बिना, अगर वो एलएनबी को निकाल दिया जाए तो काम नहीं करता, वैसे वो उनकी श्रृंगिकाएं होती है। आप कभी चींटी को जूम करके देखें, फोटो कैप्चर कीजिए, जूम करके देखिए, उसके सर के ऊपर दो ऐसे निकला रहता गोल सा, वो उसका एंटीना है बेटा। अगर वो ना है तो भुला जाएगी। आप जानते हैं ना कि चींटियां लगातार लाइनिंग से कहां चलती हैं, क्योंकि एक मिली गैस छोड़ती है, सभी सभी बारी बारी से क्या करते हैं, वो वाली गैस नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो समझ रहे हो गधा है कि नहीं, क्या करते हैं तुम लोग, लल हो रहे ससुर एकदम, चलो तुम लोग को बताना ही नहीं है ना, जिसकी वजह से वो एक लगातार गंध छोड़ती हैं, जिसकी वजह से वो लगातार एक के पीछे एक जाती रहती हैं, तुम लोग तो दूसरे गंदगी में पड़ गए, बेहोश कर दोगे क्या। चले, कीटों के द्वारा और जंतुओं के द्वारा। अब मलेरिया रोग आप जानते हैं किसकी वजह से होता है, मच्छर, और मच्छर क्या है, एक प्रकार का कीट है, तो कीट की वजह से भी कुछ रोग हम, अब भाई ये आएगा और हमें काटेगा, अब ऐसा तो है नहीं कि मच्छर हमारे पास आएगा मैं आपको काट लूं तो हम कहेंगे हाँ वो काट लो, काट ली अब जाओ, ऐसा तो है नहीं, वो हमें काटेगा और खून लेके जाएगा, है ना, मतलब वो बाहर से आएगा, अलग अलग जगह से वो आएगा, उसके अंदर उस रोग का, मान लेते हैं कौन दूसरे रोगी के ऊपर बैठ के आया है, उसका ब्लड लेके आया है और यहाँ आया, इंजेक्ट कर दिया हम लोगों के शरीर में, हम तो अच्छे खासे थे, रात में सोए थे, सवेरे मुंह अलग हो गया, है ना, तो ये क्या है, हमें रोग हो गया। दूसरा निद्रा, ये कक्षा 8 की बुक में भी आपको पढ़ाया गया होगा कि किस किस की वजह से निद्रा, मतलब वह व्यक्ति जो हरदम सोता रहता है, सोता रहता है, सोता रहता है, तो जरूरी ना कि रोग ये है, कुछ काहिलो होते हैं, ठीक है, काहिल का मतलब जिसको गांव में कहते हैं जंगर चोर, तो कुछ जंगर चोर टाइप के होते हैं, जनन को हरदम सोना ही रहता है, खाली सोना ही रहता है भाई, लॉकडाउन तो बताया, सो लॉकडाउन में, लॉकडाउन जो लगा था वो काहिलों के लिए ही लगा था, लॉकडाउन में कई लोग अरबपति बन गए, हम बड़ा बड़ा कपड़ा लेते थे, दुद्दू हजार का लेते थे, है ना, दुद्दू हजार, तीन तीन हजार का हम कपड़ा लेके आते थे, कौनो बढ़िया का ब्लेजर लेके आए कौनो, लेकिन अरबों खरबों का जो बिजनेस वो मास्क करके गया है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, कोरोना वाले में सोच लो 10 रुपया का मास्क, उसकी बनावट के बनने के लिए 2 रुपया खर्च नहीं है, और नॉर्मली 10 रुपया का बड़े शौक से लेते थे, एक बार यूज करते थे फेंक देते थे, फिर आएगा दूसरा, समझ रहे हैं बेटा, 2000 का लेने से अच्छा है, ठीक है, गाउन नाउन के चक्कर में ना पड़े, कुछ महंगा महंगा ना लीजिए, सस्ता लीजिए। किसी ने कहा था कि भाई, मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपके पास 2000 रुपए हैं तो 1600 को जूता लेने से अच्छा है 3-4 जूता ले लो, बदल बदल के पहनो, देखने का जो जो देखता है वो थोड़ी पहचान जाएगा कितने का जूता है, उसको बताओ 1600 जूता है जबकि वो 300 का जूता है, समझ रहे हैं ना, तो इससे क्या होगा, समाज में अच्छी छड़ी बनेगी, इसके पास कितना जूता है रे, अब 1600 का ले लोगे, पहन के आओगे, कल वही पहन के आओगे, परसों वही पहन के आओगे, कहेगा एक जूते वह है, ये ससुर एकदम गरीब है और रोज बदल बदल के बहुत जूता के पास है, कभी भी मैं महंगा जूता लेता ही नहीं भाई, 700 इन रेयर केस, बहुत उड़ के जाना है मेरा जूता 500-700, इसकी खासियत क्या है, बदल बदल के पहनो यार, ठीक है, फिलहाल पॉइंट समझते हैं। निद्रा रोग किसकी वजह से होता है, सीसी मक्खी, एक मक्खी है जिसका नाम है सीसी, जंगलों में ज्यादातर पाई जाती है ये मक्खियां, अगर ये किसी व्यक्ति को काट लेती है तो उसे सोने की बीमारी हो जाती है, वो वाला सोना नहीं, ये वाला सोना, ठीक है, आगे बात करते हैं। मृदा द्वारा, मिट्टी के द्वारा, अरे यार कुछ लोगों में जो ये जरूरी नहीं है कि सबको ये सीसी मक्खी ही काट ले तो वो सो रहा है, कभी कभार क्या होता है, देखिए उम्र का तकाजा, कुछ लोग जो थक जाते हैं वो सो जाते हैं पहली चीज, है ना, कुछ लोगों की कोशिकाएं शिथिल हो जाती हैं, कुछ भाई साहब टॉनिक मारे रहते हैं तो उनका दिमाग शिथिल हो जाता है वो सो जाते, कुछ लोग काम ज़्यादा करते हैं वो सो जाते हैं, कुछ लोग उम्र दराज हो जाते हैं, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें अपने आप नींद लगती है, ठीक है, तो अगर सब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नींद लग रही तो उसे ये जाके ना बता दीजिएगा कि आपको सीसी मक्खी काटी है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे भाई, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को सीसी मक्खी है काटी है, ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। मृदा द्वारा, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो मिट्टी के द्वारा हो जाते हैं, मतलब जैसे आपका हाथ वगैरह कट जाता है तो पहले उठाएंगे, पहले अब तो शायद अब धीरे धीरे जनरेशन है ना क्या हो रही, सुधार हो रहा है, अब कोई मिट्टी उट्टी नहीं, पहले क्या होता था, जरा सा कट गया तो पहले एक मुट्ठा मिट्टी उठा के धड़ाक बंद करेंगे, आप बंद करो,
बंद करो, इसको बंद करेंगे, ब्लड बंद कर। भाई कटने के बाद उतना ज्यादा इन्फेक्शन नहीं होगा जितना तुम्हारी मिट्टी उठा के रखने से होगा, क्योंकि एक मुट्ठी मिट्टी में करोड़ों बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसकी वजह से आपको रोग हो सकता है। अब जिस चीज का वो बैक्टीरिया होगा उस चीज का रोग हो जाएगा आपको, ठीक है ना। आगे बात करते हैं माता से गर्भ में कुछ ऐसे रोग होते हैं, हालांकि ये अनुवांशिक के अंतर्गत ही आएगा। कुछ ऐसे रोग होते हैं जब भ्रूण में बच्चा पल, मतलब गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, हालांकि बच्चे को गर्भ ही बोला जाता है लेकिन गर्भाशय में पल रहा है तो उसे गर्भ बोलेंगे। तो जब माता के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तो कुछ ऐसे रोग होते हैं जो उसे हो जाता है, जैसे एड्स। हम जानते हैं एड्स के बारे में, हालांकि इस पर लगातार रिसर्च की जा रही है कि भविष्य में ऐसा होगा कि अभी भी कुछ जीन इंजीनियरिंग चल रही है कि अगर बच्चे के अंदर या माँ के अंदर कोई रोग है तो उससे बच्चे को बचाया जा सकता है। एड्स एक ऐसा रोग है जो माँ से बच्चे में हो जाता है। जब मैंने आपको एड्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एड्स केवल चार तरीके से फैलता है, ठीक है, जिसमें से एक है माता से गर्भ को। आगे बात करते हैं बेटा प्रसार के आधार पे, मतलब फैलने के आधार पे जो रोग है वो कितने तरीके का। एक है महामारी, वह रोग, पहले कोरोना को महामारी घोषित नहीं किया गया था, मतलब जब वो वुहान शहर में शुरू हुआ था तो उसे केवल एक लोकल, मतलब ये वाली बीमारी विशेष क्षेत्रीय महामारी के नाम से जाना जाता था। हाँ चलो तुम लोग तसरे है ना। फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद पता चला कि नहीं भाई ये बहुत ही लगभग सभी देशों में फैल रही है। महामारी क्या होती है, वह बीमारी जो क्या है बहुत तेजी से फैल रही होती है उसे क्या बोलते हैं, महामारी बोलते हैं। फिर महामारी कई है ना, समझ रहे हो कि नहीं, वह बीमारी जो काफी तेजी से फैले, मतलब बहुत तेजी से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से हो, मतलब बहुत ज्यादा चेन बनाए, उसे बोलते हैं महामारी। दूसरा होता है विशेष क्षेत्रीय, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे कोई विशेष बीमारियाँ पाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक कहानी मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे था वो, ऑस्ट्रेलिया में था या कहाँ पे था, इंडिया में भी एक ऐसा गांव है जहाँ पे जितने लड़के पैदा होते हैं वो जुड़वा, समझ रहे हैं, मतलब अगर तीन बार पैदा हो गए तीन दूनी छः लड़का, सोच लो। और अगर वो हम यहाँ जैसे ज़्यादा चलाक वाले लड़के, माता पिता बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट वाले हैं, ज़्यादा विकास करना चाहते हैं, अगर वो नौ बार पैदा कर दिए तो नौ दूना 18 लड़का, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। सोचिए उस गांव का रिकॉर्ड देखिए, आज तक उस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर सिंगल लड़का पैदा हुआ, मतलब जितने हैं कुछ जुड़वा टेड़ुआ टेड़ुआ पैदा हुए। अगर चार मिला गए चार तीन 12 साल की जिंदगी तीन बार में खत्म कर दिया। चलो फिलहाल समझे, महामारी समझ में आ गया। विशेष, किसी विशेष क्षेत्र में कोई बीमारी होती है जो काफी तेजी से फैलती है किसी विशेष क्षेत्र में। जैसे मान लेते हैं ये हमारा आजमगढ़ है, तो आजमगढ़ में अगर कोई बीमारी फैलेगी केवल आजमगढ़ तक ही सीमित है, मऊ बलिया गाजीपुर नहीं फैली हुई है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, विशेष क्षेत्रीय महामारी बोलेंगे। आगे बात करते हैं यंत्र तत्रिक, मतलब कुछ ऐसे बीमारियां होती, यत्र मुझे है तत्र तुम्हें है, मुझसे तुम्हें हो जाए धीरे धीरे, अरे तुम्हें नहीं होगा तुम कहें पर जाना, मुझे वैसे कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, तुमको हो तुम लोग बचे रहो, ठीक है। फिलहाल बात समझते हैं, यत्र तत्र कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बहुत धीरे धीरे फैलती है, उसे बोला जाता है यत्र तत्रिक महामारी, ठीक है, जैसे न्यूमोनिया डिप्थेरिया बहुत धीरे धीरे फैलती है, ठीक है। आगे बात करते हैं विश्वव्यापी, कुछ ऐसे बीमारियां हैं कुछ ऐसे रोग हैं जो पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लेते हैं, मतलब बहुत तेजी से फैलते हैं, और एक समय आता है कि पूरा देश, दुनिया में जितने देश हैं लगभग 184 सब में ये रोग हो जाए, तो उसे बोला जाएगा विश्वव्यापी, और इससे कोई अछूता नहीं, आज की जनरेशन तो बड़े अच्छे से जानती है कि नहीं, 2 साल हमारा करियर ले डूबा यही बीमारी ना कोरोना, ससुरा आया पूरी तहस नहस कर दिया, पढ़ने का मन करता है बच्चे ना, आधे लड़के काहे लोग हैं भैया, वैसे जैसे अगली बार भैया को प्रमोट किया तो वैसे मुझे भी कर दे, ये कुछ प्रमोट के चक्कर में। जानते हैं किसी देश की, बिल गेट्स ने कहा था जिस देश के लोग पबजी फ्री फायर के बैन होने पे तकलीफ उनको होती है और परीक्षा प्रमोट होने पे खुशी मिलती है, बताओ वो लोग क्या, आई लोग चिल्लाएंगे पहले मुझे नौकरी दो, फ्री फायर खेल लो बेटा पबजी खेल लो, समझ रहे हैं ना। पढ़ना है, पढ़ने वाले के लिए कोई बाउंडेशन नहीं, कोई सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ भाई देखिए कुछ राजनीतिक प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ जातिवाद का प्रॉब्लम होता है, जैसे कर्नाटक का देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, जहाँ किताब की जरूरत है वहाँ हिजाब घुस रहा है, और जहाँ हिजाब की जरूरत है वहाँ किताब। भाई किताब, हमें स्कूल में किताब पढ़ानी है, हमें हिजाब के बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है, किताब पर ध्यान दीजिए हिजाब पर ध्यान ना दें, ठीक है। फिलहाल
विश्वव्यापी बीमारियां, वह बीमारियां जो कि पूरे दुनिया में फैल जाएं, बहुत तेजी से फैले, उन्हें बोला जाता है विश्वव्यापी महामारी, जैसे कोरोना, हैजा और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। ये थी आपकी बीमारियां, आपकी नहीं, मतलब ये रोग के बारे में था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।